हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ क्लास टू का इंग्लिश 1.5 लैंग्वेज स्टडी। ओके लिटिल फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से सुनिए। नेमिंग वर्ड्स है, मतलब आपको इसका आंसर नेम में देना है। तो आइए देखते हैं, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन है आपको आंसर देने हैं। ओके, व्हाट इज योर नेम, अब आपका जो नाम है आप वो आंसर दे दीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपका नाम रोहन है तो आप लिखोगे माई नेम इज रोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू अ बॉय और अ गर्ल, आई एम अ बॉय। अगर आप गर्ल हो तो गर्ल लिखे। हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली। ठीक है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, सब कितने लोग हैं, कौन कौन है। तो आपकी फैमिली में जो जो लोग हैं आप लिखो। ठीक है, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका आंसर। माई फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड मी, मतलब मेरे मम्मी, पापा, भाई, बहन और मैं। विच प्लेसेस डू यू लाइक टू विजिट, कौन सी जगहों पे आप घूमना पसंद करते हो। आई लाइक टू विजिट गोवा, वाराणसी। और आपको जो जो जगह पसंद है उसका नाम आप लिख दो। मैंने तो आपको बस दो प्लेसेस का नाम बताया। आई लाइक टू विजिट गोवा एंड वाराणसी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज योर फेवरेट एनिमल, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है। आपका जो फेवरेट है आप वो लिख दीजिए। मैं आपको बस ऐसे ही आंसर दे देती हूँ, माई फेवरेट एनिमल इज लायन। ओके, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करते हो। ठीक है, जो पसंद है आप वो लिख दो। आई लाइक टू ईट पाव भाजी, पसंद तो होगा आपको, आपका जो फेवरेट है आप वही लिखो। ठीक है, व्हाट इज योर फेवरेट टॉय, माय फेवरेट टॉय इज कार। अगर आप लड़की हो आपको कुछ और पसंद है वो लिखो। ठीक है, या लड़के हो कोई जो पसंद हो आपको टॉय में वो आप लिखो। तो व्हाट इज योर फेवरेट टॉय, माय फेवरेट टॉय इज अ कार, ये आप लिख सकते हो, अ डॉल, जो आपको पसंद हो। ठीक, डू यू राइट विथ अ पेन और अ पेंसिल, डू यू राइट विथ अ पेन और पेंसिल, विथ अ पेंसिल। आंसर में क्या है, विथ अ पेंसिल, मतलब क्या आप पेन या पेंसिल से लिखते हो, किससे लिखते हो आप, पेन से लिखते हो या पेंसिल से लिखते हो। तो बच्चों आप तो पेंसिल से लिखते हो ना, आप लिख दोगे विथ अ पेंसिल आंसर में, और आंसर लिख के क्वेश्चन मार्क मत देना, फुल स्टॉप। ओके, तो आज का ये भी लेक्चर हमारा खत्म हो गया। आई होप मेरे लिटिल फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आप इसको बार बार सुनो, ठीक है, मदर फादर को बोलो ये आपको बार बार एक्सप्लेन करे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।